हमेशा ना वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा ना एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो, अब तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। एंड यार आई टेल देम वन वेरी कॉमन थिंग कि इतने सारे स्टूडेंट्स जब एक पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करते हैं, जाहिर सी बात है कि सबका तो उस कॉलेज में नहीं होने वाला, शायद उसके नीचे वाले कॉलेज में होगा या उसके भी नीचे वाले कॉलेज में होगा एंड ऑल ऑफ दैट। बट क्या इसका मतलब ये है कि जो उस कॉलेज में जा रहे हैं वही सक्सेसफुल है, जो दूसरे में जा रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं है? यू वोंट बिलीव दैट मेनी ऑफ द सक्सेसफुल पीपल दैट आई पर्सनली नो, दे डू नॉट बिलोंग टू अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, बिकॉज कॉलेज एक ऐसा ब्रांड है जो आपका सक्सेस डिफाइन नहीं करता, बस आपको दे देता है, एक टैग लग जाता है। बट अगर आप किसी और कॉलेज से बिलोंग करते हो बट आप तब भी अच्छा काम कर रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट पहले क्या होता था, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन अगर आप देखो, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा यूजुअली नहीं होता था। अगर आपने ग्रेजुएशन भी करी है तो भी यू कैन गेट अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी। अब तो ऐसे हालात हो गए कि अगर आप MBA कर रहे हो ना तो भी आप अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप IIT IIM जैसे जगहों से भी हो तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका पैकेज शायद कम लगे। तो जाहिर सी बात है कि अब हम उस पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पे स्किल्स बीट एवरीथिंग एल्स एंड इन डिमांड स्किल्स को सीखना ही हमारा एक मेन काम बन के रह जाता है। तो मैं आज की वीडियो में ऐसे आपको 5 कोर्सेज बताने वाला हूँ जो कि फ्री है, आप घर बैठे सीख सकते हो एंड रिकॉग्नाइज्ड जगहों से है वो कोर्सेज जो कि लिटरली आपकी स्किल बिल्डिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एंड यू कैन डू देम अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट्स। कि हाँ ऋषान 5 में से ना ये 2 मेरे को लग रहा है मेरे लिए ज़रा रिलेवेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 के 5 करने हैं, बट मैं 5 बताऊंगा ताकि हम ज़्यादातर लोगों को कवर कर पाए इस वीडियो में। अब देखो यार, एक चीज़ मैं ये पहले भी बता चुका हूँ किसी और वीडियो के अंदर, व्हेन आई से इट्स अ फ्री कोर्स दैट डजंट मीन कि सर्टिफिकेट भी फ्री है। आप या तो फ्री कोर्स कर लो जिसके अंदर आपको नॉलेज मिल जाएगी, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, या कहीं और से एक कोर्स कर लो जहाँ पे आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिल रहा है, नॉलेज नहीं मिल रही है। ये मैंने पहले भी एक फाइनेंस का फ्री कोर्सेज का वीडियो बनाया था, काफ़ी लोग कह रहे थे कोर्सेज फ्री नहीं है। कोर्सेज फ्री ही थे बट सर्टिफिकेट के लिए आपको नॉमिनल अमाउंट वो चार्ज कर रहे थे जगहें, जो लोग कह रहे थे कि ये फ्री नहीं है। आपको पूरी नॉलेज, पूरा वीडियो कंटेंट, सब कुछ फ्री में ही मिल रहा है। इट्स जस्ट दैट सर्टिफिकेट के लिए यू नीड टू पे। आई एम टेलिंग दिस इन एडवांस, बट अदरवाइज ऑल दीज कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू आर लुकिंग टू एक्चुअली लर्न समथिंग, कोर्सेज के सर्टिफिकेट के लिए अगर आपको लेना है देन यू नीड टू पे अ नॉमिनल फी, गिविंग यू दैट डिस्क्लेमर इन एडवांस। सबसे पहला कोर्स है इंट्रोडक्शन टू जेनरेटिव AI बाय गूगल। स्क्रीन पे आप देख सकते हो दैट ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस हैज told that this particular domain can reach $1.3 trillion industry in the next 10 years, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज़ है, 42% का इंक्रीज़ है। तो जाहिर सी बात है, अब मैं इस पर और नहीं जाने वाला डीप कि AI ज़रूरी है, AI इज़ द फ्यूचर, AI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, AI इज़ नॉट द फ्यूचर, AI इज़ द प्रेजेंट, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसमें मैं नहीं जाने वाला। मैं जल्दी से बताता हूँ ये कोर्स किस बारे में है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल माइक्रो लर्निंग कोर्स है विच एम्स एट एक्सप्लेनिंग व्हाट जेनरेटिव AI इज़, कैसे काम करता है और ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मेथड से डिफरेंट कैसे है। 5 पार्ट्स में ये कोर्स डिवाइडेड है। नंबर 1 इंट्रो टू जेनरेटिव AI, देन इंट्रो टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, देन इंट्रो टू रिस्पॉन्सिबल AI, then prompt design in vertex AI and finally responsible AI, जिसमें you will see the application of all these principles। ये again एक free course है, सब कुछ आप इसके अंदर free में सीख सकते हो, but as I said certificate का different एक nominal charge है if you want to pay, otherwise one of the top courses, highly recommended for anybody। नंबर 2 पे आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो, पहला जो मैंने कोर्स बताया वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल के ऊपर था, AI के ऊपर। तो जो भी लोग AI में इंटरेस्टेड है या जो साइंस बैकग्राउंड से मोस्टली रह चुके हैं वो इसको काफ़ी इंटरेस्टेड समझेंगे अपने आप को इसके अंदर। जो मैंने सेकंड कोर्स बनाया इट इज़ मोस्टली फॉर दोज हु आर इनटू मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग, तो ये उनके लिए है। अगेन आपका इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। पहले मैं जल्दी से बताता हूँ कि SEO होता क्या है ताकि आप समझ पाओ कि हाँ यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेट्स से ईशान को कोई फाइनेंस का कोर्स करना है, ईशान कहेगा ठीक है, लेट मी गो ऑन Google एंड सर्च फॉर इट। फाइनेंस के कोर्स में मैं क्या सर्च करूँगा? बेस्ट फाइनेंस कोर्स फॉर जॉब, फाइनेंस कोर्स फॉर इंटर्नशिप्स, फाइनेंस कोर्स फॉर फ्रेशर्स या बिगिनर्स, ऐसा कुछ सर्च कर सकते हैं। फाइनेंस कोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्च कर सकते हैं, फाइनेंस कोर्स फॉर JP Morgan या इन्वेस्टमेंट बैंक सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। वो सर्च करने के बाद इसको हम कीवर्ड बोल सकते हैं, फाइनेंस कोर्स फॉर फ्रेशर्स या बिगिनर्स, ये हमें कीवर्ड बोल सकते हैं। इस कीवर्ड पे कौन से रिजल्ट्स गूगल हमको दिखाएगा और कैसे एज अ कंपनी ईशान Finladder को उन सर्च रिजल्ट्स में ला पाएगा, इज मोटा मोटा व्हाट SEO इज़ लाइक। सर्च इंजन, गूगल इज़ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करना अपने बिजनेस के हिसाब से एक सर्च इंजन को। So when I search on Google, best finance course, I want Finladder to come on best finance course. When I go and search for finance course for investment banking, I want Ishan's course to come on top. तो इसको हम कहते हैं SEO. अब कोई भी इंसान से अगर मैं पूछूं जिसने यहाँ तक सुन लिया है कि SEO क्या होता है, आपके हिसाब से इज इट इम्पॉर्टेंट और इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट? सब लोग गूगल पे जाते हैं, सब लोग सर्च करते हैं. ये कितना इम्पॉर्टेंट स्किल है दैट पीपल डोंट रियलाइज कि SEO इज बिकमिंग वन ऑफ द हाइएस्ट पेड अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग. मोस्टली पहले एड्स चलाना एक हाइएस्ट पेइंग काम होता था, बट अब SEO उसको टेक ओवर कर रहा है एंड इट इज़ बिकमिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग कि आप SEO करो, SEO सीखो एंड SEO चलाओ हमारे कोर्सेज पे या हमारी सर्विसेज पे या हमारे प्रोडक्ट्स पे चलाओ, ताकि हमारा रिजल्ट टॉप पे आना शुरू हो जाए. बिकॉज हम सबको पता है कि यार हम 5-6 लिंक्स के नीचे तो नहीं जाते हैं. कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ सर्च किया और मैं शायद सेकंड पेज पे गया ही नहीं हूँ, सेकंड लिंक नहीं, सेकंड पेज. आपने पूरा पेज देखा, उस पर 8-10 लिंक्स आते हैं, फिर नीचे आता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सो ऑन. कौन जाता है सेकंड पेज पे? हार्डली कोई जाता है. सो दैट इज़ व्हाई SEO इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अब कोर्स के अंदर मैं बता देता हूँ आप क्या सीखने वाले हो. ये सिर्फ और सिर्फ एक 2 घंटे का कोर्स है जिसमें यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट SEO, कैसे काम करता है, फंडामेंटल्स क्या है, ज़रूरी क्यों है, कीवर्ड सर्च क्या होता है, हाउ टू ऑप्टिमाइज द वेब पेजेस फॉर सर्च इंजन्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू नीड टू लर्न. और हाँ, ध्यान रहे, इन सारे के सारे कोर्सेज का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ताकि आपको अलग से सर्च ना करना पड़े, टाइम आपका बच जाए. तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नंबर 3 पे आता है UX डिज़ाइन कोर्स बाय गूगल. अब देखो UX क्या होता है. UX इज़ बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस, दैट इज़ UX. मैं किसी ऐप पे गया, लेट्स से स्विगी या जोमेटो पे गया खाना ऑर्डर करने, या मैं किसी वेबसाइट पे गया, लेट्स से कोई कोर्स करने, या मैं कहीं पे भी गया, एज अ यूज़र मुझे वो ऐप कैसे एक्सपीरियंस दिला रहा है या वो वेबसाइट कैसे एक्सपीरियंस दिला रही है इज़ वॉट यूज़र एक्सपीरियंस इज़ लाइक. कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं वाह यार इसकी वेबसाइट तो बड़ी अच्छी है, बड़ी स्मूथ है, बड़ी क्रिएटिव सी है, या कई बार हम बोलते हैं क्या बकवास वेबसाइट है यार, क्या बकवास ऐप है, अजीब सा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यूज़ कैसे करना है. दैट इज़ वॉट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस, UX. तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स को हायर किया जाता है कंपनीज़ के थ्रू जो पूरे UX पे काम करते हैं एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के. सो दैट इज़ वॉट यू विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो देखो ये एक सीरीज़ है ऑफ 7 कोर्सेज. स्क्रीन पे मैंने 7 के 7 आपको दिखा दी है. वंस यू कंप्लीट दिस यू विल हैव द रिक्वायर्ड इन डिमांड स्किल्स फॉर एनी एंट्री लेवल जॉब. इतना इंपॉर्टेंट है ये कोर्स. तो बहुत कुछ आप इसमें सीखने वाले हो. एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन डेप्थ. इसका भी लिंक मैंने ऑलरेडी लगा दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर. इफ़ समबडी वांट्स टू गेट इनटू अगेन मार्केटिंग या डिज़ाइन, दिस इज़ योर कोर्स. नंबर 4 पे आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल बाय मेटा यानी कि फेसबुक. इसमें आप सब कुछ सीखोगे मोरलेस सोशल मीडिया के आसपास क्या क्या होता है. जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ब्रांड मैनेजमेंट होता है, कंटेंट मार्केटिंग होता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है, परफॉर्मेंस एडवर्टाइजिंग होता है, सब कुछ होता है. 6 कोर्सेज होंगे इसके अंदर, वो भी मैंने स्क्रीन पे डाल दिए हैं. एंड बाय द एंड यू विल ऑल्सो हैव अ प्रोजेक्ट बेस्ड पोर्टफोलियो दैट यू कैन डेमॉन्स्ट्रेट टू द रिक्रूटर्स या फिर क्लाइंट्स अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो. इसका भी लिंक नीचे ही है. एनीबडी हु वांट्स टू मेक देयर करियर अराउंड द क्रिएटर इकोनॉमी या कंटेंट क्रिएशन या सोशल मीडिया फ्रीलांसिंग के लिए खास करके ये कोर्स करो, बिल्कुल फ्री है. नंबर 5 पे आता है फॉर ऑल माय बडिंग एंटरप्रेन्योर्स द स्टार्टअप स्कूल बाय वाई कॉम्बिनेटर. ये कोर्स है ऑन ऑब्वियसली हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये कोर्स फाउंडर्स ऑफ जेप्टो टुक, उन्होंने लिया था ये कोर्स एंड वो आज एक $1 बिलियन कंपनी है. अप्रॉक्सीमेटली आपको 7 हफ्ते लगेंगे ये कोर्स करने में. अगर आप हर हफ्ते सिर्फ 1 से 2 घंटे देते हो तो 15 घंटे से नीचे का कोर्स है. सब कुछ सिखाएगा बेसिक से आपको तो पैसे कैसे रेज करने वहाँ तक भी. एक्चुअल फाउंडर से आप सीखने वाले हो ये कोर्स, तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत है. कोर्स का लिंक कहाँ पे है वो भी डिस्क्रिप्शन में है. शुरू कर दो, अपना खुद का कुछ करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली सूटेबल. विद दिस आई रैप अप दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन है कॉमेंट सेक्शन है, कोई भी टॉपिक रिकमेंडेशन है उसके लिए भी कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो. टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बट हाँ, ये कोर्सेज में से 2 कोर्सेज करने की ज़रूर कोशिश करना. आज नहीं तो कल ये वाले स्किल्स बहुत काम आने वाले हैं.